सर नमस्कार, मैं सचिन पटेल बोलता हूँ। मैं बलसाड़ से आया हूँ। मेरा 8000 सैलरी में मैं ड्राइवर का भी नौकरी करता हूँ, कंप्यूटर का करता हूँ। 8000 पगार पे 17000 पगार देता है सरकार और मेरे को 8000 मिलता है। भले मेरी नौकरी आज चली जाएगी, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सबका दिल लगा। मेरे आई कार्ड में दो दो पोस्ट है, आप देख सकते हो। मैं प्यून का काम करता हूँ, आईएससी गाड़ी चलाता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का करता हूँ, फिर भी 17000 सरकार सैलरी देती है। हमारी पंचायत ऑफिस को और हमारी एजेंसी हमको 8000 देती है। सर 8000 में क्या मिलेगा? आज मैं कल 12 बजे से बलसाड़ से निकला हूँ, महाराष्ट्र बॉर्डर से। आज 1 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ आपसे मिलने के लिए, सच्ची बात से मिलने के लिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ देखिए। सर आपके पास आने के लिए जो गोपाल सर जी ने हमको बोला कि ये धमकी है, ये है वो, हम बिना डरे, मैं बोला जो होने वाला होगा वैसे भी कौन देती है 8000 में, कौन क्या करती है अपनी। उससे अच्छा अरविंद जी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं अपन। रिक्वेस्ट है मेरी सर आपसे। नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू। हम सब 2002 से अभी 20 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो लाभ है वो हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो 2002 से सर्विस रूल्स भी किया हुआ है उसमें पीएफ ग्रेजुटी आदि का भी जिक्र किया हुआ है, फिर भी हमको वो भी लाभ नहीं मिल रहा है। हमको जो काम कर रहे हैं नल से जल, अभी लास्ट में तो पूरा स्टेट को 100% करना चाहते हैं सरकार, तो हम उसके लिए भी काम किया है, मगर हमारा जो काम है, हमको जो लाभ देना है उसमें हमको लाभ नहीं मिला है। और लाभ के लिए हमने हमारे डिपार्टमेंट को बार बार विनती भी की है, फिर भी लाभ नहीं दिया है, तो हमने नामदार गुजरात हाईकोर्ट से भी अपील की है, तो ऐसा भी कर रहे हैं, फिर भी हमको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको लाभ मिले ऐसी आशा है आप से। थैंक यू। एक मनरेगा कर्मचारी हूँ और हम, मेरे यहाँ साथी मित्र है जो 10 या 12 साल से मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो हमको अच्छी तरह से समान वेतन और समान काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, और तीन हफ्ते हो चुके हैं हमारा, और हम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है। आउटसोर्सिंग में हमारा एजेंसी जो इथोस है एजेंसी, उसमें से 12000 का सैलरी है वो भी कट के 5000 कट जाता है, 7000 सैलरी हमारे खाते में आती है। जो आपकी सरकार आएगी तो क्या हमें जो आगे के पहले के जो कर्मचारी है उसको समान काम समान वेतन की अपेक्षा रखते हैं और रेगुलर हमें करे, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू। આયુષેમો તરીકે NHM કેડર વતી હું આજે હિન્દીમાં બોલજો આયુષેમો કી તરફ NHM કે સ્ટાફ કી તરફ સે મે આપકો હિન્દી મે હમારા જો પ્રશ્ન હે વો પ્રસ્તુત કરને જા રહી હું હમારા એક મુખ્ય મુદ્દા હે સમાન કામ સમાન વેતન ઓર દૂસરા હે કી હમે 2000 હમ 2006 સે ઇસ કોન્ટ્રાક્ટ મે કામ કર રહે હે 16 સાલ સે હમ કામ કર રહે હે फिर भी हम लोगों को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसमें क्लास 2 क्लास 3 और क्लास 4 के सभी कर्मचारी आ रहे हैं, आरोग्य विभाग के सभी अलग अलग कामगिरी के लोग इसमें शामिल है, जैसे आयुषेमो है, RBS के मो है और TB लेप्रसी विभाग के स्टाफ है, ऑपरेटर है, वो ग्राम्य कक्षा से लेकर शहर और जिला और राज्य तक काम कर रहे हैं। इतने 25000 कर्मचारी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे NHM में 2006 से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ये आशा लेके आपके पास आए हैं कि अगर आपकी सरकार आए तो हमें रेगुलर करेंगे या नहीं, हमारा ये प्रश्न है। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं सिंचा डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग 10-12 साल से आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, अभी जैसे सबका प्रॉब्लम है वैसे हमारा भी है, हमका भी वेतन जो 7-8000 के आसपास जो मिल रहा है वही मिल रहा है,
अभी क्या है कि सब लोग का कामगिरी देखा जाए तो हम लोग का कामगिरी तो जंगल में ज्यादा रहता है, मशीन पे रहने का, जंगल के अंदर वो क्या बोलते हैं कि जंगल कटिंग का काम रहता है, नहर साफ करना रहता है, ऐसा मतलब जोखिम वाला काम रहता है हमारा। लेकिन कहने की बात यह है कि हम लोग को जो काम की प्रॉब्लम नहीं है, काम तो सब हम कर लेंगे, क्योंकि काम करेंगे तो कुछ घर चलाएंगे ना, वो भी सही बात है। लेकिन जो वेतन मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा, हमको दिक्कत उससे है। तो आप जैसे सरकार आएगी, अगर इससे ज्यादा हमको अच्छा वेतन भी मिलेगा, अच्छा हम काम कर पाएंगे, हम बस हम लोग यही चाहते हैं कि अब कुछ अलग होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब वंदे। मंच पे बैठे हुए मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी, गुजरात के प्रभारी गुलाब जी, इंद्रानिल भाई, अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण और गुजरात के अलग अलग विभागों से, गुजरात के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल और अन्य किस्म के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मेरा सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। दोस्तों, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल के बारे में अभी मैं 5 मिनट में बात करूंगा, उसके पहले मैं रोज सोशल मीडिया में पढ़ता हूं कि ऐसे लगता है जैसे सारे विभागों के सारे कर्मचारी इस टाइम गुजरात में हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्स आर्मी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जीआईएसएफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिड डे मील वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गौशाला वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी महीना डेढ़ महीना पहले मैं जब आया था, कई सारे पुलिस कर्मचारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमें बहुत सबसे कम तनख्वाह गुजरात के, पूरे देश में गुजरात के पुलिस वालों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा हमारी मांग है कि हमें ग्रेड पे मिलना चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम ग्रेड पे देंगे। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, उनके गुजरात पुलिस के सारे कर्मचारियों ने अपने व्हाट्सएप के डीपी में मेरी फोटो लगा ली और गुजरात सरकार में हड़कंप मच गया। 2 घंटे के अंदर सारी गुजरात सरकार के अंदर ये क्या हो गया, बगावत हो गई। और अगले दिन गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि उन लोगों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। उनकी डिमांड भत्ते की नहीं थी, उनकी डिमांड ग्रेड पे की थी, पक्का होने की थी। तो मैंने उनको बोला चिंता मत करो, भत्ते ले लो, इनसे जो बढ़ा रहे हैं वो ले लो, इनसे जाते जाते। दिसंबर में जब हमारी सरकार बनेगी, भत्ते इनसे ले लो, दिसंबर में ग्रेड पे मेरे से ले लेना, मैं आपको ग्रेड पे दे दूंगा। अब ये जो इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अब मैंने सुना है कि 27 साल में इन सरकारों ने कभी आपको मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी किसी को मिलने का टाइम नहीं दिया, कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला, कभी कोई मंत्री नहीं मिला, मंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ो, इनके अफसर भी नहीं टाइम देते आप लोगों को मिलने का। अब मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूं ये बुला रहे हैं, आओ बैठ के बात करते हैं, आओ बैठ के, मैं पढ़ता हूं कहीं कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर का भत्ता बढ़ा दिया, 10,000 रुपए कर दिया, इसका भत्ता बढ़ा दिया, उसका भत्ता बढ़ा दिया। इनके भरोसे में मत आना, ये चुनाव है, इस बार आम आदमी पार्टी ने इनकी नाक में दम कर रखा है, इसलिए बुला रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए,
यही लोग आपको डंडे मरवाएंगे, पुलिस में भर आपकी सबकी नौकरियां ले लेंगे ये लोग, इनके ऊपर भरोसा मत करना। अभी अगर ये बुलाते हैं आपको, कहते हैं जो देते हैं ले लेना, लेकिन इन पे भरोसा मत करना। इस बार सरकार बदलने के लिए काम करना। आजकल एक नारा चल रहा है गुजरात में, मैं देख रहा हूं गुजरात के लोग नारे बड़े अच्छे बनाते हैं। एक नारा चल रहा है, एक कटोरी दो समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा। एक कटोरी दो समोसा, इन पे भरोसा बिल्कुल मत करना। झूठे हैं ये लोग, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। अभी एक साथी ने आखिरी में बोला कि बड़ी हिम्मत करके आया हूं सर, अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे लगता है इस सभा के अंदर कई सीआईडी वाले घूम रहे होंगे, आप सबके वीडियो बना के लेके जाएंगे। पहली बात तो आप सब लोगों की हिम्मत को सलाम देता हूं मैं, जो आप लोग अपनी अपनी नौकरी दांव पे लगा के आए हो। आपने भी कोई कम हिम्मत नहीं की है, अपनी अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आए हो। 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई हैं, उन सब के हकों के लिए लड़ने के लिए आज आप आए हो, इतने जितने लोग बैठे हैं यहां पे। आज के इस संघर्ष की वजह से फायदा 5 लाख लोगों को होगा, लेकिन संघर्ष आप लोगों ने किया। लेकिन मैं आपको ये वादा देता हूं, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। अब ये 2 महीने रह गए, इन 2 महीने में इन लोगों की सत्ता खत्म करिए। सब लोग, अब ये 5 लाख लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे। मीडिया वालों की बेचारों की मजबूरी है, ये हमें दिखा नहीं सकते, इनको डरा रखा है उन्होंने। लेकिन इन पे अपने को, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना। सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, सोशल मीडिया के जरिए इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप लोग एक एक आदमी पूरे लग जाओ आज से कि सोशल मीडिया के ऊपर सारे कर्मचारियों को, 5 लाख आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, सबको व्हाट्सएप कर दो कि एक एक वोट उनका भी और उनके घर वालों का भी और उनके रिश्तेदारों का भी झाड़ू के ऊपर पड़ना चाहिए।